फौजी बैच जिससे पढ़कर बीस हजार से भी ज्यादा बच्चों ने बदली है अपनी किस्मत दो हजार बाईस में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाले फौजी बैच के साथ एस एस सी मेकर की टीम एक बार फिर तैयार है दो हजार तेईस चौबीस में भी सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने के लिए शानदार टीम और दमदार कंटेंट के दम पर इसी फौजी बैच ने बदली है बीस हजार ज्यादा बच्चों की जिंदगी तो अब है आपकी बारी पाइए एस एस सी जी डी दो हजार बाईस में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलाने वाला चादोई बैच फौजी बैच मात्र तीन सौ निन्यानवे रूपए में तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करे एस एस सी मेकर का फौजी बैच और करे एस एस सी जी डी में अपने सिलेक्शन को पक्का अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और एस एस सी मेकर ऐप डाउनलोड करें। गुड इवनिंग नमस्कार कैसे आप सभी मैं स्मनी चौधरी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके करंट सॉरी एसएससी जीडी का जो आपका एग्जाम है उसके लिए क्वेश्चंस यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं शाम छः बजे आपकी क्लास चलती है तो आपका जो एग्ज़ाम होना है ये ऑलरेडी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है आपका चौबीस नवम्बर से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा और फरवरी में आपका एग्जाम होना है तो सभी बच्चे विशेष रूप से इस चीज का ध्यान रखें आपका 2025 तक का एस के द्वारा कैलेंडर जारी कर दिया गया है तो उसको भी आपको याद रखना है है ना उसको भी आप प्रिपेयर रखिएगा कि आपको कब कब कौन सा एग्जाम देना है क्योंकि ऑलरेडी कैलेंडर जो है वो आपका जारी हो चुका है ठीक है तो एक बार फिर आप सभी बच्चों का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एस एस मेकर में और आज का जो एक क्लास है काफी इंपोर्टेंट होने वाला है आप सभी को जो है क्लास को बहुत बेहतर तरीके से देखना है है ना बहुत अच्छे तरीके से इसको करना है है ना क्वेश्चंस हम देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वही सारी चीजें हम डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं क्वेश्चन को कम्प्लीट पढ़ना है उसके बाद ही आप उसमें देखिएगा कि कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आती है जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसको आप लिखा करें बिना लिखे आप कुछ नहीं कर पाओगे मैं आपको फिर कह रहा हूँ है ना जब तक नहीं लिखोगे आदत नहीं डालोगे लिखने का तब तक कुछ नहीं होने वाला है भाई ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पाकिस्तान आईसीसी पुरुष विश्व कप के फाइनल में कितनी बार पहुंचा है हाउ मेनी टाइम्स हैज पाकिस्तान द फाइनल ऑफ आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप है ना तो पाकिस्तान टीम जो है जो फीमेल है उसकी बात नहीं कर रहे हैं मेल की बात कर रहे हैं कि मेल जो टीम है ये फाइनल में कितनी बार पहुंची है एक भी बार नहीं जीरो का मतलब कोई नहीं है ना वहीं पर एक बार पहुंची है दो बार पहुंची है तीन बार पहुंची है है ना तो ध्यान रखिएगा ये दो बार पहुंची है है ना तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर चार सही हो जाएगा एक उन्नीस सौ में इसने फाइनल जीता था इंग्लैंड को हरा कर है ना इंग्लैंड को हरा कर, इसने फाइनल जीता था, था, था सेकेंड टाइम उन्नीस में कब उन्नीस में तो दो बार पहुंची है ध्यान रखिएगा वहीं पर अगर मैं भारत की बात करता हूं तो भारत दो फाइनल जीत चुकी है है ना भारत जो है दो फाइनल जीत चुकी है इसमें आपको ध्यान रखना है पहला फाइनल 1983 में जीता था और सेकंड फाइनल 2011 में जीता था और इस बार आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 वाला जो मैच है है ना ये जो टूर्नामेंट है ये इंडिया में इसका आयोजन किया जा रहा है तो देखना होगा कि इसके फाइनल में कौन कौन सी टीमें जाती हैं और फाइनली विनर कौन होता है तो पाकिस्तान जो है दो बार 1992 और 1999 में आ, फाइनल तक पहुंचने वाली टीम बनी है नेक्स्ट क्वेश्चन लिए कि 1946 में निम्न में से किसने भारतीय संविधान का अंतिम अध्यक्ष बनाया गया था ठीक है ये हो जाएगा आपका एस सुब्रमण्यम अय्यर सचिन सचिंद्र नाथ सोनियाल या फिर सरोजनी नायडू सचिनानंद सिन्हा ठीक है ध्यान रखेंगे संविधान सभा के जो अंतिम अध्यक्ष बनाए गए थे ये किसको बनाया गया था आपके ध्यान होगा हमारे जो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे इनको 9 दिसंबर 1946 में कब 9 दिसंबर 1946 में अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का लेकिन इसके बाद 11 दिसंबर 1946 में जो परमानेंट बने थे ये कौन बने थे राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था और बाद में चलकर ये भारत के राष्ट्रपति बने थे क्या बने थे राष्ट्रपति बने थे तो इस ऑप्शंस के अनुसार आपको ध्यान रखना है यहाँ पर डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी जो हैं ये राइट आंसर हो जाएगा ये जो कॉन्सेप्ट था इसमें डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी को बनाने का एक मेन उद्देश्य ये था क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति उस समय हुआ करते थे वरिष्ठ हुआ करते थे तो भारतीय कल्चर में आप कह सकते हैं या फिर हमने एक ऐसी पद्धति को अडोप्ट किया जिसमें जो सबसे वरिष्ठ होगा उसको हम अध्यक्ष पद पर या पिटासीन अधिकारी के रूप में उसको नियुक्त करेंगे तो ये एक कॉन्सेप्ट हम भारतीय संविधान में इसको लागू किया या भारतीय लोकतंत्र जो प्रक्रिया है उसमें हमने इसको लागू किया था ठीक है चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है कि वन संरक्षण के संदर्भ में नव आंदोलन ध्यान से सुनिएगा आपने चिपको आंदोलन के बारे में सुना होगा नर्मदा बचाओ के बारे में आपने सुना होगा है ना वहीं पर ये नवदन्य आंदोलन था जो 1987 में शुरू हुआ था किसके द्वारा बाबा अंबाटे के द्वारा पांडुरंग हेगड़े के द्वारा मेधा पाटकर के द्वारा या फिर ये वंदना शिवा के द्वारा इन द कॉन्टेस्ट ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन नवदे आंदोलन वाज स्टार्टेड इन 1987 बाय है ना तो किसके द्वारा इसको शुरू किया गया ध्यान रखिएगा इसको वंदना शिवा के द्वारा शुरू किया गया था किसके द्वारा वंदना शिवा के द्वारा इसको 1987 में शुरू किया गया था वहीं पर अगर हम बात करते हैं आपका चिपको आंदोलन की चिपको आंदोलन जो है ये कब शुरू हुआ था आपसे पूछा जा सकता है इस आंदोलन को आपको ध्यान रखना है ये यूपी में शुरू हुआ था यूपी में एक जगह पड़ती थी चमोली ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ था और इसके जो नेतृत्व करता थे ये थे सुंदरलाल बहुगुणा है ना सुंदरलाल बहुगुणा चमोली उस समय यूपी में हुआ करता था क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा उत्तराखंड राज्य है ये 9 नवंबर 2000 अस्तित्व में आया था नए राज्य की स्थापना कर दी गई थी यूपी से हटाकर बातें यहां तक तो क्लियर हुई चलिएगा भाई। नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से कौन भारत का पहला पुर्तगाली वॉयस राय था है ना अल्फांसो डी अल्बुकर्क था लोपो सोयरस डी अल्बेरिया था या डुडेडे डे मैनेजेस था या फिर फ्रांसिसो या फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था कौन था भाई क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर क्या होगा ध्यान रखेंगे विदेशी शक्तियों में विदेशी शक्तियों में जो सबसे पहले शक्ति थी ये पुर्तगाली थी जो भारत में आई थी है ना चौदाह में वास्को में वासकोडीगामा भारत आया था और यहाँ पर याद रखना 1505 में जो भारत का वायसराय बनकर आया था ये फ्रांसिसी डी अल्मेडा था कौन था फ्रांसिसी डी अल्मेडा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी सही हो जाएगा 1510 में है ना 1510 में गोवा को जीता था आदिल शाह से किससे आदिल शाह से इसको जीता गया था ध्यान रखिएगा ठीक है और 1510 के बाद अगर मैं गोवा की बात करता हूँ तो गोवा को 1961 में स्वतंत्र कराया गया था और गोवा स्वतंत्र जो राज्य बना ये तीस मई 1987 में बना था कब बना था तीस मई 1987 में गोवा संपूर्ण राज्य स्वतंत्र राज्य बनकर सामने आया था तो क्वेश्चन यहाँ पर चार का क्या हो जाएगा डी सही हो जाएगा बातें क्लियर हुई चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार कौन प्रदान करता है, है ना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्ति विश्वविद्यालय जिसको हम क्या कहते हैं इग्नू कहते हैं ठीक है वहीं पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी गृह ग्रह मंत्रालय या फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर जो हमारी आईएनसी है यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसने महा राजीव सॉरी इंदिरा गांधी पुरस्कार देना प्रारंभ किया कब से 1985 से इंदिरा गांधी पुरस्कार को देना प्रारंभ किया गया था ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है चालिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए एक बार देखिएगा कि सागर माथा किसका नेपाली नाम है ये माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम है मैकालू का आ, नाम है या फिर लाहौसे का नाम है कंचनजंगा का नाम है हुज नेपाली नेम इज सागर माथा सागर माथा जो है ये किसका नाम है ये माउंट एवरेस्ट को सागर माथा या फिर सागर माता के नाम से भी जाना जाता है ठीक है कहाँ पर पड़ती है नेपाल में ये चोटी पड़ती है जो 4800 सॉरी आठ या 50 मीटर भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है इतनी ऊँचाई इसकी है ठीक है ना वहीं पर आपको ध्यान रखना है कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है सबसे ऊंची चोटी हिमालय की कंचनजंगा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी ठीक है ना अगर हम भारत के सबसे ऊंचे पर्वत की बात करते हैं तो के टू है जिसको हम छियासी इसकी टोटल ऊंचाई है कितनी है एट्टी सिक्स अलेवन इसकी टोटल मीटर ऊंचाई है ध्यान रखिएगा बातें यहां तक क्लियर हुई यहां तक किसी को कोई समस्या चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि युडरमा मैकुलम चित्तीदार को दिया गया है यानी कि यूडरमा जो एक नाम दिया गया ये किसको दिया गया लोमडी को दिया गया चमगादड़ को दिया गया चूहे को दिया गया या फिर ये बाज को नाम दिया गया है युडरमा मैकुलम जो नाम दिया गया किसको दिया गया ये नाम दिया गया है चमगादड़ को किसको चमगादड़ को जिसको हम बैट भी कहते हैं क्या कहते हैं बैट भी इसको कहा जाता है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहां पर आपका बी सही हो जाएगा ठीक है पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई है काफी अच्छी पुस्तक है है ना इंडिया विंस फ्रीडम तो ये किसके द्वारा लिखी गई अब्दुल कलाम आजाद मौलाना अब्दुल कलाम आजाद महात्मा गांधी विजय लक्ष्मी पंडित या श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा यानी कि ये मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा लिखी गई है और इनको क्या दिया गया था भारत रत्न से भी इनको सम्मानित किया गया है है ना और इनको आ, नोबेल प्राइज से भी इनको पुरस्कृत किया गया है और ये भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी हैं पहले विदेशी हैं ध्यान रखिएगा आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इनको कब भारत रत्न दिया गया अगर मैं महात्मा गांधी की बात करता हूँ तो ध्यान रखना इनके द्वारा हरिजन पुस्तक को लिखा गया था हरिजन पुस्तक किसने लिखी थी महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज किसने लिखी थी महात्मा गांधी ने पुस्तक लिखी थी अः एक इनकी ऑटोबायोग्राफी है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ये भी इनके द्वारा लिखी गई है चलिए भाई यदि किसी वस्तु या कोई वस्तु दस दोलन प्रति सेकंड करती है तो किलोहर्टेज में इसकी आवर्ती कितनी हो जाएगी ये दस हो जाएगी ये पॉइंट जीरो वन हो जाएगी ये पॉइंट वन हो जाएगी या जीरो पॉइंट वन हो जाएगी क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर हो जाएगा ये पॉइंट जीरो वन इसका दोलन गति के कारण क्या हो जाएगा किलो हर्टज में इसकी आवर्ती हो जाएगी है ना किलो हर्टज में इसकी आवर्ती हो जाएगी क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर क्या होगा यहाँ पर बी सही होगा द लाइफ डिवाइन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई दयानंद सरस्वती के अरविंदो के स्वामी विवेकानंद के अर्मता पीतम के किसके द्वारा इसको लिखा गया है द बुक द लाइफ डिवाइन वाज रिटन बाय दयानंद सरस्वती श्री अरविंदो स्वामी विवेकानंद या अमृता प्रीतम ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर टेन का क्या हो जाएगा आंसर नंबर वहां पर सॉरी बी सही हो जाएगा बी जो अरविंदो हैं इनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया वहीं पर अगर मैं स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करता हूं तो इन्होंने आर्य समाज आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की थी और ध्यान रखेंगे इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी थी कौन सी सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी गई थी इनके द्वारा तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा चलिए 1975 की रात में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को आपातकाल लगाने के लिए सिफारिश की थी तो ये कब आपातकाल लगा था वो महीना कौन सा था वो जुलाई माह था जून था 22 मई था या 25 जून था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ध्यान रखना ध्यान रखेंगे जब सेकंड टाइम सेकंड टाइम जब आपात लगा सॉरी थर्ड टाइम ये थर्ड टाइम है जब आपातकाल की घोषणा की गई उस समय हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी थी और हमारे राष्ट्रपति थे फकरुद्दीन अली अहमद तो दो क्वेश्चन आपसे यहाँ से क्लियर हो जाते हैं आपसे क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि जिस समय भारत में तीसरा आपातकाल लगा 1975 में है ना कब 1975 में उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन हुआ करते थे भारत के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे ये काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं ठीक है तो ध्यान रखना उस समय भारत की जो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद हुआ करते थे 25 जून 1975 में राष्ट्रपति शासन सॉरी नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज कर दिया गया था है ना और इसको कब हटाया गया था 1977 में इसको वापस लिया गया था और इसमें जो इसका कारण बताया गया ये आंतरिक गड़बड़ी इसका कारण बताया गया था आंतरिक गड़बड़ी के कारण हमें नेशनल इमरजेंसी लगानी पड़ी ये वक्तव्य दिया था इंदिरा गांधी जी ने फर्स्ट टाइम भारत में उन्नीस में इंडिया और चाइना युद्ध के दौरान चाइना युद्ध के दौरान क्या नेशनल इमरजेंसी को लगाना पड़ा था सेकेंड टाइम उन्नीस में इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान क्या लगाना पड़ा था इमरजेंसी को इम्पोज करना पड़ा था ठीक है वहीं पर आपको ध्यान रखना है जो ये सतत इकहत्तर वाली है इकहत्तर वाली और उसके बाद जो पचहत्तर में लगाई गई नेशनल इमरजेंसी इन दोनों को कब हटाया गया 1977 में इनको हटाया गया था ठीक है 1977 में इनको हटाया गया था ठीक है चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्तूप स्थल भारत या उत्तर प्रदेश के राज्य में स्थित नहीं है भरहूत है चौखांडी है धमेक है या राजभर है जो आप ये तीनों देख पा रहे हो ये यूपी में है जबकि अगर मैं भरहूत स्तूप की बात करता हूं तो ये कहाँ पर है भाई ये आपको ध्यान रखना है ये एम में है कहां पर एमपी एमपी में एक जगह पड़ती है देवर देवर ये भाभी वाला देवर नहीं है ये एक जगह का नाम है देवर वहां पर ये स्तूप है ध्यान रखिएगा ठीक है ना भरहूत स्तूप बाकी ये तीनों आपको यूपी में ही देखने को मिल जाएंगे जयप्रकाश नारायण को प्रेम पूर्वक किस उपाधि से जाना जाता था लोकनायक देश बंधु राज ऋषि या दीन बंधु ध्यान रखिएगा जेपी नारायण इनको कहा जाता था और इनको हम लोकनायक के नाम से भी जानते थे क्योंकि इन्होंने जनता की आवाज को एक कह सकते हैं बहुत ही जोश खरोश के साथ इन्होंने उठाया था ठीक है ना इस कारण इनको दीन बंद लोकनायक की उपाधि से लोक मतलब लोगो है ना उसकी उपाधि से इनको सम्मानित किया जाता है बातें यहाँ तक क्लियर हुई चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए देखेंगे एक बार क्या कहना चाहता है आ, भारत के निम्न में से किस राज्य में प्रत्येक वर्ष अबुबाची मेले का आयोजन किया जाता है तो अबुबाची मेला जो आयोजित होता है असम में सिक्किम में गुजरात में या फिर केरल में इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया अबुबाची फेयर यानी कि मेला इज ऑर्गेनाइज एवरी ईयर तो ये असम में जहाँ पर कमाख्या मंदिर है कमाख्या मंदिर के पास में ही आबूबाची मेला जो है इसका आयोजन किया जाता है भाई है ना आबूबाची मेले का आयोजन किया जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा ए सही हो जाएगा जैसे एक सूरज मेला काफी फेमस है सूरजकुंड मेला कहाँ पर लगता है फरीदाबाद में फरीदाबाद कहाँ पर है हरियाणा में तो यहाँ पर यह मेले का आयोजन किया जाता है वेदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है जो वेदिक भजन हैं और इनके मंत्र हैं इनका जो संग्रह है इसको हम क्या कहते हैं ज्ञाति कहते हैं बाली कहते हैं विदिता कहते हैं या फिर संहिता इनको कहा जाता है तो यहाँ पर याद रखिएगा इसको हम क्या कहते हैं संहिता कहा जाता है अगर वेदों की बात की जाए तो हमारे टोटल जो वेदों की संख्या है चार है इसमें आपके ऋग्वेद हैं जो सबसे पुराना हमारा वेद है यजुर्वेद है यजुर्वेद, वेद श्याम वेद है श्याम वेद, वेद और सबसे लास्ट जिसको हम अथर्ववेद कहते हैं क्या कहते हैं अथर्ववेद कहते हैं तो ये चार हमारे वेद हैं इनमें सबसे पुराना आपका ऋग्वेद है और जादू टोने टोटके टोने टोटके का जो वेद कहा जाता है ये किसे अथर्ववेद को कहा जाता है नेक्स्ट ध्यान रखिएगा एस एस सी जी डी दो हजार बाईस तेईस चौबीस के लिए सॉरी तेईस चौबीस के लिए आपका जो फौजी बैच है एक नवंबर से लाइव हो चुका है जो बच्चे अभी बैच से लोड नहीं हुए हैं उन्हें क्या करना है एस एस सी में एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है या हमारे जो लाइव वीडियोज हैं हमारी यूट्यूब पर जो वीडियोज पड़ी हुई हैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए निम्न में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल किया गया है आपको जानते हैं है ना टोटल हमारी जो अनुसूचियां हैं टोटल अगर हमारी अनुसूचियों की बात की जाए तो बारह है इनमें से ग्यारहवीं अनुसूची है जो कि पंचायतों से संबंधित है किससे पंचायतों से जिसमें उनतीस विषय हैं कितने विषय हैं उनतीस विषय हैं ध्यान रखिएगा इन विषयों में क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इन विषयों में पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था आती है प्रमुख वन उत्पादन आते हैं बड़े पैमाने पर उद्योग आते हैं स्वस्थ और स्वच्छता आती है तो ये इसका विषय हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा होगा क्या ऑप्शन हो नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा भाई चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि निम्न में से किस वर्ष राजकुमार सलीम ने मुगल तख्त पर चढ़ाई की थी पंद्रह सो अट्ठावन छ सो पांच छे सौ पच्चीस छह सो बहत्तर ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा इन्होंने कब 1605 में मुगल तख्त पर चढ़ाई की थी निम्न में से कौन सा शहर भारत के मुख्य भूभाग के सुदूर दक्षिण सिरे से सबसे दूर है ये आपका बेंगलुरु है कुडाई कनाल है नंदेड़ है वारंगल है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज एज फार्टेस्ट फ्रॉम द मोस्ट टिप ऑफ मेनलैंड इंडिया तो ये जो आपका नादेड़ है, है ना ये हो जाएगा है ना या फिर आपका कुड़ाई कनाल हो जाएगा वारंगल हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा बी सही होगा जो कुड़ाई कनाल है ये आपके सुदूर दक्षिण में स्थित है तो ध्यान रखेंगे ठीक है चलिए निम्न में से कौन सा एक्शन एट ए डिस्टेंस बल है तनाव बल है गुरुत्वाकर्षण बल है घर्षण बल है खिंचाव है फोलिंग इज अक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स क्वेश्चन नंबर नाइनटीन का आंसर बी हो जाएगा जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है या गुरुत्वाकर्षण है ग्रेविटेशन जिसको कहा जाता है इसका इसमें सही होगा है ना चलिए है भाई मक्का और गन्ने के तने के निचले सिरे से बाहर आने वाली सहायक जड़ों को क्या कहा जाता है व्हाट आर द ट्वाइल ऑक्सिलरी रूट्स कमिंग फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द स्टेम ऑफ माइस एंड शुगर केन कॉल्ड इसको तृतीयक जड़ कहेंगे प्राथमिक जड़ कहेंगे अब स्तंभ इसको कहेंगे या प्रोप जड़ कहेंगे क्वेश्चन नंबर 20 तो इसको अवस्थम जड़ कहा जाता है क्या कहते हैं इसको स्तंभ जड़ कहते हैं बारामती स्पोर्ट स्टेडियम किस राज्य में है बारामती स्पोर्ट स्टेडियम आपका हिमाचल में है हिमाचल में है चहल ठीक है असम में उड़ीसा में है या फिर गोवा में है ध्यान रखिएगा यह उड़ीसा में है उड़ीसा या उड़ीसा में जिसको कहा जाता है बारामती स्पोर्ट स्टेडियम क्वेश्चन नंबर हो जाएगा चलिएगा सन 2000 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित किए गए थे हम बात कर रहे हैं सन 2000 के ओलंपिक की ये सियोल में हुए सिडनी में हुए एथेंस में हुए या फिर ये पेरिस में हुए थे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू तो इनका आयोजन सिडनी में हुआ था सिडनी कहाँ पर है भाई ये ऑस्ट्रेलिया में है कहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया में है ध्यान रखिएगा वहीं पर अगर मैं 2020 के ओलंपिक की बात करता हूँ सॉरी जिसको हम टोक्यो ओलंपिक के नाम से भी जानते हैं ये कहाँ पर हुए है भाई ये हुए हैं आपका आ, टोक्यो ओलंपिक जापान में आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे विशेष रूप से वहीं पर अगर हम बात करते हैं 2026 वाले जो ओलंपिक होंगे ये पेरिस में होंगे कहाँ पर पेरिस में होंगे यानी कि फ्रांस में होंगे कहाँ पर होंगे फ्रांस में होंगे तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू का क्या हो जाएगा यहाँ पर डी सही हो जाएगा कालिंजर का किला जो कि मध्य कला के दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किला था में स्थित है राजस्थान में है उत्तर प्रदेश में है सिंध में है या फिर पंजाब में है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री ध्यान रखिएगा ये उत्तर प्रदेश में है कहां पर है यूपी में है कालिंजर का जिला है ना कालिंजर का जो जिला है ये यूपी में स्थित है ध्यान रखिएगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा ट्वेंटी थ्री का बी सही हो जाएगा मूंगफली सफल सफलनी फसल फसल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2018 के अनुसार निम्न में से कौन सा मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है क्वेश्चन नंबर 24 ध्यान रखिएगा गुजरात में सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन होता है कहां पर गुजरात में सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन होता है ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि ऋग्वेद को पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है तो ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं है ना टोटल मंडलों की संख्या कितनी है टोटल दस मंडल हैं आपने पढ़ा भी होगा जिसमें से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मंडल एक में क्या है मंडल दो में क्या है है ना तो वो सारे क्वेश्चंस आते हैं तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा दस सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर टेन यहाँ पर आपका क्या होगा सही होगा भाई ठीक है तो ये था आज का आपका सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताएंगे कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसके अलावा ध्यान रखिएगा आपका जो एस एस का बैच है दो और 23 के लिए ये आपका लाइव हो चुका है लाइव बैच आपका ये एक तारीख यानी कि एक नवंबर 2023 से लाइव है तो आपको क्या करना है आपको एस एस सी में कर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है डाउनलोड कहाँ से करेंगे आपको जाना होगा लिंक पर जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा वहाँ से आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं ध्यान रखिएगा मात्र थ्री डबल नाइन में आपको मिल जाएगा जिसमें ऑफ़र जो है ये काफ़ी सीमित समय तक के लिए है क्लासेस लाइव मिलेंगी क्लास नोट्स मिलेंगे डाउट सेशंस हो गए है ना बाकी सारे जो सब्जेक्ट हैं वो आपको बहुत बेहतर तरीके से वहाँ पर कंप्लीट कराए गए हैं तो वो आपको ध्यान रखना है वहीं पर अगर मैं क्लासेस की बात करता हूँ सुबह छः बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है आठ बजे आपकी जो क्लास होती है ये मैथ्स की क्लास होती है नौ बजे आपकी इंग्लिश की क्लास है भाई मुकेश सर के द्वारा ग्यारह बजे जी के जी की क्लास होती है दो बजे फिर जी के जी है जोगेंद्र सर के द्वारा चार बजे रीजनिंग की क्लास है निखिल सर के द्वारा पाँच बजे हिंदी है भाई है ना विकास सर के द्वारा छः बजे आपकी जो क्लास होती है मेरे द्वारा ये एस एस की क्लास होती है और बिहार एस बिहार एस और आठ बजे मैथ्स और रीजनिंग की क्लास होती है अजय सर के द्वारा और ये जो टाइमिंग में आपको लिखा रहा हूं ये टाइमिंग केवल और केवल YouTube वाला है है ना? क्योंकि YouTube पर क्लासेस अलग चलती हैं और आपका एप्लीकेशन पर क्लासेस अलग हैं, तो उसका टाइमिंग अलग है कभी आप इसको यहीं से कंपैरिजन करें ठीक है चलिएगा आप जो है इस वीडियो का जो लिंक है या इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं इस लिंक से यह आपका फेसबुक लिंक है भाई आप हमें फेसबुक पे फॉलो कीजिएगा ये आपका ट्विटर चैनल का लिंक है आप हमें ट्विटर पर फॉलो करेंगे ये आपका यूट्यूब चैनल का लिंक है भाई आप हमें यूट्यूब सॉरी ट्विटर टेलीग्राम ये टेलीग्राम है ये आपका ट्विटर है ये आपका यूट्यूब चैनल है जिसको आपको फॉलो करना है बेलाइकन का बटन दबाना है और क्लास को सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे शेयर करेंगे जिससे क्लास एक बार उन बच्चों तक जरूर पहुँचे जो अभी क्लास से अछूते हैं क्लास जिन तक नहीं पहुँची है और बहुत बेहतर तरीके से आप अपनी तैयारी करते रहें तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था नेक्स्ट क्लास में हम फिर हाजिर होंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ नए क्वेश्चंस के साथ बहुत बेहतर तरीके से तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार जय हिंद जय भारत मिलते हैं नई क्लास में चलिए भाई